राहुल गांधी पर पथराव को लेकर संसद में हंगामा कर रही कांग्रेस आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उठाए सवालों पर खुद ही बैकफुट पर आ गई। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर हुए पथराव को बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस ने आज पूरा जोर लगाया। कांग्रेस ने संसद में हंगामा किया, कहा कि ये पथराव नहीं बल्कि राहुल गांधी की हत्या की बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग एक तरफ तो गोली मार के जान लेते हैं, यहाँ पर पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है और हम अगर जरा तो करने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, दो जान यहाँ पर चले गए हैं और एक जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं है। कांग्रेस को डराने की अगर कोई कोशिश करी, अगर कोई हिम्मत करता है तो मैं ये कहता हूँ मैडम स्पीकर, ये तो हम। लेकिन कांग्रेस के हंगामे पर जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ ने उल्टे राहुल गांधी और उनके विदेशी दौरों को ही सवालों में खड़ा कर दिया। फावर हेलीपैड पर पहुंचकर श्री गांधी, जो बीआर कार होती है जिसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना। मैं अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले दो वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानी देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें बुलेट रेस्टोरेंट कार का प्रयोग न करके 100 times सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। पिछले दो वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 बाहर रहे हैं। इन 72 की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर। राहुल गांधी 4 अगस्त को गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने बनासकांठा गए थे। बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंका गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि हमला सुनियोजित था और आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। गृह मंत्री के मुताबिक एसपीजी ने राहुल गांधी को कई जगह रुकने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहना नहीं माना। राहुल गांधी की सुरक्षा पर संसद में हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने संसद में राहुल की सुरक्षा पर हुए हंगामे के बाद 3 ट्वीट किए। उमर ने कहा कि सरकार बॉडीगार्ड से जासूसी कराना बंद करे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर सरकार को जासूसी ही करवानी है तो उसके लिए जासूसी एजेंसियों का इस्तेमाल करे। और आज शाम 5 बजे ताल ठोके में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को अस्तित्व से संकट हो रहा है, जूझ रही है पार्टी बताने के लिए। जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है, ये चुनावी संकट नहीं है। आज की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वास्तव में आज के हालात बहुत गंभीर हैं। सल्तनत चली गई, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम सुल्तान हैं। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेहद गंभीर संकट का सामना कर रही है। जयराम रमेश के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनौती से निपटने के लिए पार्टी नेताओं को एकजुट होकर नई रणनीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत होगा कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपने आप काम करेगी। हमें समझना होगा कि मोदी और शाह अलग तरह से सोचते हैं। पुराने नारे, पुरानी रणनीति काम नहीं करेगी। भारत बदल गया है, कांग्रेस को बदलना होगा। हालांकि कैमरे पर जयराम रमेश कुछ भी बोलने से बचते दिखे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सोच समझ कर बोलने की नसीहत दी है। जयराम सर, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, ऐसे मत लीजिए सर,
अब एक एक कांग्रेस पार्टी आज भी इस देश के 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रही है, एक सबल नेतृत्व जो सोनिया जी और राहुल जी है उनके रूप में। हम कांग्रेस के नेताओं से भी कहेंगे कि वो इस प्रकार की सार्वजनिक राय देने से पहले पार्टी फोरम में इसकी चर्चा अवश्य करें। उधर कांग्रेस को उसी के नेता के आईना दिखाने पर बीजेपी जेडीयू ने चुटकी लेने में देर नहीं की। What has the Congress party got? They just got some foreign elements heading the party and they don't know anything about India. So therefore, Jairam Ramesh should collect all his Indian Swadeshi colleagues of Congress and give a new leadership to the Congress party. कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के भरोसे न रहे, मोदी शाह के खिलाफ चलता है वाला रवैया नहीं चलेगा। कांग्रेस से ध्यान रखे कि भारत बदल चुका है, बदलते भारत के साथ कांग्रेस को भी बदलना होगा। नीतीश का एनडीए में जाना यूपीए के लिए बड़ा झटका, अगले साल कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस का नया जन्म होगा। जयराम ने उम्मीद जताई कि 2017 के आखिर तक राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेंगे। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर 6 महीने के सरकारी फरमान से नया विवाद पैदा हो गया। कर्नाटक में काम कर रहे बैंक कर्मचारियों को ये फरमान कर्नाटक सरकार के कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने जारी किया है। आदेश में कर्मचारियों को साफ कहा गया है कि 6 महीने के अंदर कन्नड़ भाषा सीख लें, वरना नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहें। केडीए अध्यक्ष एसजी सिद्धरमैया ने सीधी चेतावनी दी है कि स्थानीय भाषा को उचित सम्मान नहीं देने से भविष्य में समस्या हो सकती है। एक पेज का ये आदेश कर्नाटक के सभी राष्ट्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों को भेजा गया है। हालांकि कई बैंकों तक ये आदेश अभी नहीं पहुंचा है। सीएम सिद्धरमैया ने 21 जुलाई को एक कार्यक्रम में अफसरों को कन्नड़ सीखने के लिए कड़ी हिदायत दी थी। सिद्धरमैया ने कहा था कि कर्नाटक सरकार को कन्नड़ न जानने समझने वाले अफसरों की जरूरत नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ न बोलने वाले अफसरों पर नजर रखने के लिए निगरानी कमेटी भी बनाई हुई है। गैर कन्नड़ भाषी अधिकारियों के लिए सिद्धरमैया सरकार ने कन्नड़ सीखने की व्यवस्था भी की है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव सिर्फ 8 महीने बाद हैं। सिद्धरमैया स्थानीय मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इससे पहले वो कर्नाटक के अलग झंडे को लेकर भी विवाद छेड़ चुके। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के नतीजे आने में बस थोड़ा वक्त रह गया है। क्रॉस वोटिंग के दावे दोनों ओर से किए गए। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी न्यूज के सहयोगी अखबार डीएनए ने किया है ये बड़ा खुलासा। डीएनए के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी डायल ने सरकार को करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सरकार को डायल की वादा खिलाफी से 2397 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डायल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अपने राजस्व का 45.99% हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने को तैयार हुआ था। सीएजी के ऑडिट के मुताबिक डायल ने एएआई को राजस्व का हिस्सा देने का अपना वादा नहीं निभाया। सीएजी के सूत्रों के मुताबिक डायल ने सिर्फ एडीएफ के रूप में यात्रियों से 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले और इस रकम को दूसरे काम में लगा दिया। अब डायल कह रही है कि उसके पास एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डायल सुरक्षा खर्च के नाम पर यात्रियों पर फिर बोझ डालने की तैयारी में है। डायल कंपनी जीएमआर ग्रुप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जर्मनी की कंपनी फ्रैपोर्ट का जॉइंट वेंचर है। डीएनए ने इस खबर पर जीएमआर ग्रुप की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की लेकिन अभी तक जीएमआर का जवाब नहीं आया है। डायल को जनवरी 2006 में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का जिम्मा सौंपा गया था। 2009 में यूपीए सरकार ने डायल को हवाई यात्रियों से एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस यानी एडीएफ वसूलने की इजाजत दी थी। डायल पर एक बड़ा खुलासा जी मीडिया के सहयोगी अखबार डीएनए ने किया है। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर 2 युवकों के शव मिले लेकिन इन 2 लोगों की मौत कैसे हुई इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सोमवार सुबह 7:30 बजे वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन को एक फोन आया। फोन करने वाले ने ये बताया कि दिल्ली गुड़गांव NH-8 के किनारे नाले में 2 व्यक्ति बेसुध पड़े हुए हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों लोगों को खून से लथपथ पाया। दोनों की ही मौत हो चुकी थी। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन वहां पर से बाइक गायब थी।
दिल्ली गुड़गावा NH8 हाईवे पर एक ऐसा सड़क हादसा सामने आया जहां बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का वक्त होगा जब बसंत कुंज नॉर्थ थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी कि सड़क पर दो शख्स बेसुध हालत में हैं। उसके बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाए कि दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मरने वाले दोनों लड़के नेपाल के रहने वाले थे और दोनों दोस्त थे। दो बच्चे हैं, वो नेपाल के हैं, घूमने के लिए गए थे लेकिन एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी पुलिस वाले ऑपरेशन कर रहे हैं कि अभी हम गाड़ी को जैसे भी मिलेगा हम आपको। क्या क्या एज होगी इनकी? एज तो ये होगा 22 साल के होंगे। दोनों दोस्त शनिवार को बाइक से हरिद्वार गए थे और सोमवार सुबह उन्हें घर पहुंचना था। जिस बाइक पर सवार थे दोनों वो बाइक पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो बाइक कहां पर गई? क्या किसी ने उस बाइक को चुरा लिया या इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है? पुलिस को अब तक बाइक नहीं मिली है, जिससे सवाल खड़ा हुआ है कि दोनों की मौत सड़क हादसे में हुई या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। पुलिस के सामने सवाल ये है कि अगर दोनों व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हुई तो बाइक कहाँ है? क्या सड़क हादसे के बाद कोई बाइक लेकर भाग गया और उसने मरने वालों के बारे में किसी को नहीं बताया? क्या किसी ने दोनों युवकों की हत्या कर दी और शव को हेलमेट पहनाकर भाग गया जिससे ऐसा लगे कि मौत सड़क हादसे में हुई है? पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि क्या किसी गाड़ी ने दोनों युवकों को कुचला या फिर ये हत्या।